मैं क्या है नहीं मानेगा, हिंदी बोलोगे तो नहीं मानेगा, लेकिन इंग्लिश में बोलोगे तो फौरन आपकी तरफ में तवज्जो होगा। इसका मतलब यह है कि हमको जमाने के साथ चलना होगा। मैं कोई अंग्रेजी जबान का शैतानी और आशिक नहीं हूं, लेकिन चूंकि जरूरत जब पड़ती है तो जरूरत के साथ साथ हमें अपने आप को साचे में ढालना पड़ता है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हमारे आका ने अपने सहाबा को इब्रानी सुरियानी दुनिया की जबान सीखने का हुक्म दिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मुख्तलिफ जबानें बोली। हुजूर ने अरबी के साथ फारसी भी बोली, फारसी के साथ संस्कृत भी बोली, और भी देखे जबान हुजूर ने बोली है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, अल्लाह के बंदो याद रखो, हर जबान सीखो, कोई धोखा ना दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बड़े गुंबद बनाने की बजाय, बड़े मीनार बनाने की बजाय अच्छे स्कूल और तालीम गाहें बनाइए, और जलसों को मैं समझता हूँ कि 12 बजे खत्म, 1 बजे खत्म करने का मिजाज बनाइए। नहीं हजरत, पहले से चला रहा है भाइयों, पहले की दुनिया और थी, अब की दुनिया और है। अगर आप 12 बजे जलसा खत्म करोगे इससे ज्यादा पब्लिक आएगी, इसलिए कि इसी जलसे में ये इतने लोग हजारों आए, अच्छी बात है, लेकिन इनको पता था कि फजर तक जलसा चलेगा। तो कल काम पे बहुत सारे जाने वाले लोगों ने सोचा होगा यार फजर तक चलेगा, आखिरी मुकर्रिब को वकील साहब को और इनको तो ये लोग आखिरी में लाएंगे, तो मैं जवाब पर जाकर सुबह ड्यूटी पे कैसे जा पाऊंगा। तो उसमें कई हजारों लोग छूट गए आपसे, पढ़े लिखे लोग छूट गए आपसे, संजीदा लोग छूट गए आपसे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने आप को बदलो, दुनिया बदल रही है, दुनिया तब्दील हो रही है, सब बदल रहे हैं, हर मजहब का इंसान अपने आप को कैपेबल कर रहा है। मुसलमान है कि आप तब्दील होना ही नहीं चाहते, आप चेंज होना ही नहीं चाहते, पहले से ही चल रहा है, पहले भाइयों पहले से चल रहा है, लेकिन आप बदलो इंशाल्लाह। अगर आप 12 बजे जलसा खत्म करोगे तो उसकी बरकत क्या होगी, पब्लिक और इजाफा होगा। आप डाल दीजिए, एक मुकरीर होगा, एक नाटका होगा, एक नाजिम होगा, 20 साहब होंगे, और इंशाल्लाह तुम्हारे मतलब 2 तकरीर होगी, जलसा खत्म हो जाएगा, लोग इससे ज्यादा आपके जलसे में आएंगे। खर्चे कम होंगे, खर्चे कम कीजिए, लाखों लाख रुपए खर्च करते हो भाइयों, उससे अच्छे इदारे। अगर आप 10 साल से खर्चा कर रहे हैं, एक जलसे में आपने 10 लाख रुपया खर्चा किया तो कितना खराब खर्चा किया, 10 साल में 1 करोड़, 1 करोड़ में आपकी एक अच्छी स्कूल बन सकती थी जिसमें कयामत तक आपके बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर सकते थे। इस पर आपको तवज्जो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जलसा बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बंद करने की तो मैं कोई बात करता नहीं, मैं शुरू करने की बात, मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा खर्च करने की बजाय उस पर कंट्रोल कीजिए और कुछ काम कीजिए, क्योंकि ये जलसा 3 दिन के बाद सब इसको भूल जाएंगे, सब फरामोश कर देंगे। तामीरी काम करोगे तो लोग उसको याद रखेंगे और उसके असरात होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है इस सब बातों पर हमें तवज्जो देना होगा, जलसों को कामाना बनाना होगा। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक बख्शे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती है तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। और आप अभी यहाँ से जाएंगे तो पहले फजर पढ़ेंगे उसके बाद सोएंगे, कोई फजर पढ़े बगैर नहीं सोएगा इंशाल्लाह। इसलिए फजर का वक्त शुरू है, बताओ कौन कौन वादा करता है नमाज की पाबंदी का, इमाम हुसैन के नाम पे, पलटन पाक के नाम पे कौन वादा करता, हाथ उठा के जरा इजहार करें, जरा हम भी तो देखें ना, अल्लाह पाक भी गवाह हो जाए, उसके फरिश्ते भी गवाह हो जाए, उसके रसूल भी गवाह, जरा बताएं अंधेरे में कुछ कम नजर आता है, दोनों हाथ खड़ा करें, कितने लोग हैं, सुभान अल्लाह, जरा और खड़ा करें, मवद्दत के नाम पे हाथ खड़े हो गए थे, जरा अमल के नाम पे भी मैं खड़े हो ना, माशाल्लाह कितने लोग हैं, हाथ उठाए रखें माशाल्लाह, ए अल्लाह इन्होंने तेरे महबूब की और उनकी आग की मोहब्बत में हाथ उठाए, मौला हाथ उठाना इनका काम है, अमल की तौफीक देना तेरे करम पर है। मौला सबको नमाजी बना दे, सबको परहेजगार बना दे, सबको इबादत गुजार बना दे, और हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे, अहलुल बैत की सच्ची मोहब्बत दे, सहाबे किराम की ताजीम के साथ, सहाबा के एहतराम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।